सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर जब मैं मुझे कहा गया ये एपेक्स बैंक की बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में है, मैंने सुभाष यादव जी को याद किया। और ये जो भवन है सुभाष यादव जी के नाम पर जरूर होना चाहिए। एपेक्स बैंक भवन होए, एपेक्स बैंक भवन होए, ये क्या मतलब है इसका? जिसकी सोच थी, जिसका दृष्टिकोण था, जिसका परिश्रम था, जिन्होंने ये भवन बनाया, तो इसका इस भवन का नाम हमारे मेरे बहुत पुराने साथी मेरे भाई सुभाष यादव जी के नाम पर होगा। यादव समाज और हर सामाजिक संगठन का क्या दायित्व है, क्या कार्य है? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन विश्व में हुआ है, अपने देश में हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। ये नई पीढ़ी बैठी है। भगवान सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नए बच्चे जो यहाँ नौजवान है, इनकी दुनिया कुछ और है। तो आज कौन सी इनकी आशाएं हैं, कैसे हम इनकी आशाएं, इनकी आकांक्षाएं को पहचाने, इनमें कौन सी तड़प है? ये कोई ठेका नहीं चाहते, कोई कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका है, अपने हाथों को काम चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं यादव समाज के, आप तो रक्षक हैं इस नई पीढ़ी के। क्यों मैं कहता हूं रक्षक है? आज जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, वो क्या देखता है? कोई मिलिट्री ताकत नहीं देखता, कोई आर्थिक ताकत, आर्थिक शक्ति नहीं देखता। वो देखता है कि ऐसा देश, एक ऐसा देश जहां इतनी विभिन्नता है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म। आप यहां से दक्षिण जाए तो धोती का मॉडल भी बदल जाता है, ये लुंगी बन जाती है। जब भारत की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है कि एक ऐसा देश जहां इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता है, ये देश कैसा कैसा एक झंडे के नीचे खड़ा है। ये भारत की महानता है। और यादव समाज का तो इतिहास रहा है, आप सब देशभक्ति में इतिहास रहा है, संघर्ष में इतिहास रहा है, हमारे बॉर्डर में, हमारे जितने भी हमारे वॉर हुए, यादव समाज का इतिहास रहा है। तो आपका बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हम आज ये जो भारत की मानता है, हम इसे कैसे बनाए रखें, हम नई पीढ़ी में कैसे वो मूल्य, कैसे ये मूल्य पिछड़ने दें। ये नई पीढ़ी, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, नई पीढ़ी जो इंटरनेट की पीढ़ी है, जो 1000 चैनल वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी क्या उन मूल्यों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, क्या उसी को अपना रही है, ये क्या उस पटरी से वो पिछड़ रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने भविष्य का है कि नई पीढ़ी कैसे उन मूल्यों से, हमारे भारत के सामाजिक मूल्यों से जुड़ी रहे, हमारे आध्यात्मिक शक्ति जो है, हमारे आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी रहे। ये आज बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हर समाज के संगठन का दायित्व है कि ये नई पीढ़ी में इन मूल्यों बने रहें, मजबूत हों, और वो उन्हें अपनाएं, पहचाने और अपनाएं। क्योंकि इन मूल्यों के कारण ही हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, ये आज के नहीं है। आप चंद्रगुप्त के समय से लीजिए, चंद्रगुप्त के समय से, अशोका से, हमारे क्या मूल्य रहे, हमारी क्या संस्कृति रही, और यही मूल्य और यही संस्कृति ने अपने देश को एक रखा है। इसलिए इतनी विभिन्न भाषाएं, मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, सबका राज रहा, पर भारत टिका रहा अपने मूल्यों पर। ये हमारी शक्ति है। तो बहुत बड़ी आज सामाजिक कर्तव्य है सामाजिक संगठन का, हमारे बुजुर्ग जो हैं, कि ये नई पीढ़ी में जो आज पिछड़ रहे हैं उन मूल्यों से, कहते हैं कौन से ये नए मूल्य हैं, ये तो पुरानी बात हो गई, पर ये मूल्य पुराने नहीं है, ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये पुरानी नहीं है, ये आज के दिन भी जो सम्मान होता है भारत का, इन मूल्यों और संस्कृति का सम्मान होता है, ये हमें समझ के रखना है। इसी यही कारण है कि भारत को, कि मानता को, जब कोई भारत जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, मंत्री जाते हैं विदेश, जो आदर और सम्मान मिलता है, इसीलिए मिलता है कि वो देखते हैं कि कैसा
कैसा ये भारत है। इतनी विभिन्नता किसी देश में नहीं थी, सोवियत संघ में थी। सोवियत संघ में भी इतनी विभिन्नता थी, सोवियत संघ कितनी बड़ी शक्ति थी, पर सोवियत संघ बिखर गया। आज के दिन कोई सोवियत संघ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो मूल्य थे, वो संस्कृति थी। सोवियत संघ के पास वो मूल्य और संस्कृति नहीं थी, इसलिए सोवियत संघ बिखर गया। तो आज के समय हमारे प्रदेश में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारी चुनौतियां, हमारे सब समाजों में भाईचारा है, सब धर्मों में भाईचारा है, पर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जो मैं नौजवानों की बात कर रहा था कि कैसे उनका भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि आज के नौजवान ही हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। उनमें कैसी तड़फ है, कैसी तड़फ है आज नौजवान में, जो देखता है अपने सामने केवल अंधेरा देखता है, वो देखता है कि उसके सामने कोई उपाय नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या भी बनने वाली है, ये बहुत बड़ी चुनौती। और व्यवसाय के मौके या अपने प्रदेश में आर्थिक गतिविधि, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बने, ये कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं होने वाली, ये तो होगी जब निवेश आए। अभी मैं लौटा हूं, विदेश गया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डावोस में होता है। निवेश तो तभी एक प्रदेश में आता है जब एक विश्वास हो। आप भी उस दुकान में खरीदने जाएंगे जहां आपको उस दुकान में विश्वास हो। कोई निवेश नहीं लगाता जब तक विश्वास ना बना रहे इस प्रदेश में। एक विश्वास बनाने की बात है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, पर जब तक विश्वास ना हो कोई अपने प्रदेश में आकर नया निवेश नहीं लगाएगा। एक उद्योग लगता है, साथ साथ कितना संबंधित उससे फायदा होता है। कोई मरम्मत का काम होता है, पंचर का काम कर लेता है, कोई गाड़ी रिपेयर का काम कर लेता है, कोई पान का ठेला लगा लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। तो निवेश से अगर सड़क बनती है, कोई हाईवे बनता है, मैं तो इसे मानता हूं कि ये निवेश हम अपने प्रदेश में दे रहे हैं, हम उस जिले में दे रहे हैं। हमारे कृषि क्षेत्र की कितनी बड़ी समस्या है। आज 70% अपने मध्य प्रदेश के लोग का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से। किसान नहीं है जो ट्रैक्टर चलाता है, किसान नहीं है जिसके किराने की दुकान है गांव में, वो किसान नहीं है, पर उसकी उसका व्यापार जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र की क्रय शक्ति से, खरीदने की ताकत से। जो मजदूर है, कृषि मजदूर है, उसका जुड़ा हुआ है भविष्य, उसका जुड़ा हुआ है रोजी रोटी कृषि क्षेत्र से। तो जब तक हम कृषि क्षेत्र का में फिर से एक नई दृष्टि से कृषि क्षेत्र को ना देखें, मध्य प्रदेश का कभी विकास कभी उद्धार नहीं हो सकता, ये मैं कहना चाहता हूं। और जब हमने किसानों का कर्जा माफ करने का, किसानों के कर्जा माफ करने का फैसला लिया, ये 5-6 महीने पहले जब मुख्यमंत्री मैं था, मैंने सोचा था पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं कृषि क्षेत्र में एक ऐसा कदम उठाऊंगा कर्जा माफ की। कैसे करेंगे, 55,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। मैंने ये हवा में बात नहीं करी थी कि हम कर देंगे कर्जा माफ। मैंने 1-2 महीने इस पर बहुत अध्ययन किया, कैसे करेंगे 55,000 करोड़ रुपए और 53 लाख किसानों का कर्जा माफ। मैंने ये सब सोच के रखा था, मेरा नक्शा, मेरी प्लानिंग हो गई थी इसमें। और आज मैं कह सकता हूं कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आचार संहिता आएगी, महीने भर में आचार संहिता आ जाएगी। हम आचार संहिता के पहले 35 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में उसकी मृत्यु होती है। और हम सोचते हैं कि ये हो रहा है क्योंकि कृषि क्षेत्र में हमारे किसान कमजोर हैं। मैंने अमेरिका से लड़ाई लड़ी थी जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, वाणिज्य मंत्री था, कि मैं अपने कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं करना वाला, कि हमारा किसान अमेरिका के किसान से मुकाबला कर सकता है, पर उनकी गवर्नमेंट से तो मुकाबला नहीं कर सकता। जो वो सब्सिडी देते हैं उनकी गवर्नमेंट से मुकाबला हो गया। तो आज कृषि क्षेत्र का महत्व हमें समझना है, और कृषि क्षेत्र में केवल उत्पादन से नहीं होगा। और जब तक किसान के हाथ में ये क्रय शक्ति नहीं हुए, हमारे प्रदेश में आर्थिक गतिविधि नहीं बन सकती। तो ये हमने फैसला किया है कि हमारे सामने दो प्राथमिकताएं हैं।
दो प्राथमिकताएं, हमारा किसान और नौजवान। और हमारा किसान और नौजवान के चेहरों पर अगर मुस्कुराहट आ रही तो ये मध्य प्रदेश के विकास की बात कर सकते हैं। ये मैंने फैसला किया।